पसंद है और हमें पसंद है ये रंग। हेलो हेलो, मुझे इसे कुछ जरूरी बात करनी है, आप चाहिए? मास्टर जी, एक मास्टर को दूसरे मास्टर से कहने वाली बहुत जरूरी बात है, आप चाहिए? डैडी मेरी शादी कहीं और कर रहे हैं, तुम इनकी तारीख ही पक्की करनी पड़ेगी। डैडी ने तुम्हारी शादी पक्की कर दी? डैडी ने कल रात तुम्हें मेरे कमरे में देख लिया था। मीनाक्षी शेषाद्री अपने दौर की एक ऐसी अदाकारा जिसने न केवल अपनी खूबसूरती बल्कि अपनी गजब की एक्टिंग प्रतिभा और अपने ज़बरदस्त डांस कौशल से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आला मुकाम हासिल किया। महज 17 साल की उम्र में मिस इंडिया टाइटल अपने नाम करने वाली मीनाक्षी शेषाद्री हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की टॉप रेटेड एक्ट्रेसेस में शुमार होने के बाद अब अमेरिका में एक शांत और शानदार जिंदगी गुजार रही हैं। किस्सा टीवी पर पेश है डांस दीवा ऑफ 90s बॉलीवुड मीनाक्षी शेषाद्री की कहानी। मीनाक्षी शेषाद्री की जिंदगी के कई अनसुने पहलुओं से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। 16 नवंबर सन 1963 को मीनाक्षी का जन्म झारखंड के सिंदरी में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता सिंदरी की फर्टिलाइजर फैक्ट्री में नौकरी करते थे, यहीं पर मीनाक्षी का जन्म हुआ था। जन्म के वक्त माता पिता ने इनका नाम शशिकला रखा था। सिंदरी में ही शशिकला यानी मीनाक्षी और उनके भाई बहनों की परवरिश हुई थी। चूंकि मीनाक्षी की माँ भरतनाट्यम में पारंगत थी तो बचपन से ही उन्होंने मीनाक्षी और उनकी बहन निम्मी को भरतनाट्यम की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। पढ़ाई के साथ साथ मीनाक्षी स्कूल में डांस प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया करती थी। मीनाक्षी की खूबसूरती देखकर स्कूल की इनकी सहेलियां अक्सर इनसे कहा करती थी कि तुम्हें तो मॉडलिंग के लिए ट्राई करना चाहिए। उस वक्त मीनाक्षी अपनी सहेलियों की बातों को मजाक में उड़ा दिया करती थी, लेकिन जब 12वीं के एग्जाम्स देने के बाद ये घर पर छुट्टियाँ बिता रही थी तो एक दिन इन्होंने अखबार में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट का विज्ञापन देखा। उस विज्ञापन को देखकर मीनाक्षी को अपनी सहेलियों की बात याद आ गई और उन्होंने अपनी एप्लीकेशन भी उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भेज दी। किस्मत ने कुछ ऐसा खेल खेला कि मीनाक्षी वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत भी गई और फिर उसी साल इन्हें मिस इंडिया पेजेंट में हिस्सा लेने का भी मौका मिल गया। महज 17 साल की मीनाक्षी ने साल 1981 में हुए मिस इंडिया कॉन्टेस्ट को अपने नाम भी कर लिया। इसके बाद तो रातों रात सिंदरी की ये आम लड़की पूरे देश में खास बन गई। इसी साल मीनाक्षी शेषाद्री को जापान की राजधानी टोक्यो में हुए मिस इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में इंडिया का प्रतिनिधित्व करने का मौका भी मिला। हालांकि इस कॉन्टेस्ट में मीनाक्षी को कोई कामयाबी नहीं मिल सकी, मगर इसी कॉन्टेस्ट के बाद ही मीनाक्षी के लिए मनोरंजन जगत के दरवाजे भी खुलने शुरू हो गए। जापान से लौटने के बाद मीनाक्षी के पास मॉडलिंग के ढेरों ऑफर्स थे। कुछ ऑफर्स को उन्होंने साइन भी किया। मुंबई में मीनाक्षी की बड़ी बहन निम्मी रहती थी और मीनाक्षी का ठिकाना भी उन दिनों अपनी बहन का मुंबई वाला घर ही था। एक दिन मशहूर एक्टर मनोज कुमार का फोन मीनाक्षी के पास आया। मनोज कुमार जी ने मीनाक्षी से कहा कि वो एक फिल्म बना रहे हैं जिसके लिए उन्हें एक नई लड़की की तलाश है। मीनाक्षी उस फिल्म के सिलसिले में मनोज कुमार से मिलने उनके ऑफिस पहुंची। मीनाक्षी को लग रहा था कि शायद मनोज कुमार उनका स्क्रीन टेस्ट लेंगे, लेकिन मनोज कुमार ने कहा, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि तुम एक बहुत बढ़िया एक्ट्रेस बनोगी, इसीलिए मैं तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट नहीं लूंगा। मनोज कुमार जैसे दिग्गज के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मीनाक्षी बहुत खुश हुई। हालांकि उन्होंने मनोज कुमार को तुरंत हाँ नहीं कहा। मीनाक्षी दिल्ली अपने माता पिता के पास आई और उन्होंने अपने माता पिता से ये बात शेयर की। जब उनके माता पिता ने कहा कि उन्हें ये फिल्म करनी चाहिए तो मीनाक्षी वापस मुंबई गई और उन्होंने मनोज कुमार की वो फिल्म साइन की जिसका नाम था पेंटर बाबू। ये फिल्म साल 1983 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही मीनाक्षी ने सुभाष घई की फिल्म हीरो साइन कर ली थी और ये सुभाष घई ही थे जिनके कहने पर ये शशिकला शेषाद्री से मीनाक्षी शेषाद्री बनी थी।
पेंटर बाबू फिल्म रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कोई कमाल नहीं दिखा सकी। हालांकि यूपी बिहार में इस फिल्म को पसंद जरूर किया गया था, लेकिन फिर भी इस फिल्म को फ्लॉप ही माना गया। मगर जब इसी साल मीनाक्षी की दूसरी फिल्म हीरो रिलीज हुई तो मीनाक्षी को फिल्म स्टार होने का स्टेटस भी मिल ही गया। हीरो जबरदस्त हिट रही थी। सुभाष घई एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जिसमें वो नए लोगों को कास्ट कर सकें। जैकी श्रॉफ के रूप में उन्हें अपना हीरो तो मिल ही गया था, लेकिन जब मनोज कुमार ने मीनाक्षी को साइन किया तो उन्हें अपनी हीरोइन भी मिल गई और उन्होंने फैसला कर लिया कि अपनी फिल्म हीरो में जैकी श्रॉफ के अपोजिट वो मीनाक्षी को ही कास्ट करेंगे। बॉक्स ऑफिस पर हीरो ने धमाल मचा दिया। यूं तो इस फिल्म की टक्कर अमिताभ बच्चन की कुली से थी, लेकिन धीमी शुरुआत के बाद हीरो ने जो रफ्तार पकड़ी वो शानदार थी। फिल्म की कहानी और फिल्म का म्यूजिक जबरदस्त हिट साबित हुए। रातों रात मीनाक्षी एक आम एक्ट्रेस से सुपरस्टार बन गई। इसके बाद तो मीनाक्षी ने ढेरों फिल्मों में काम किया, हर बड़े स्टार के साथ काम किया। राजेश खन्ना रहे हो या फिर अमिताभ बच्चन, जितेंद्र रहे हो या फिर अनिल कपूर, हर हीरो के साथ मीनाक्षी की जोड़ी को दर्शकों ने पसंद किया। राजेश खन्ना के साथ आई इनकी फिल्म आवारा बाप भले ही हिट फिल्मों में ना गिनी जाती हो, लेकिन ये उस दौर की चर्चित फिल्मों में से एक थी। अमिताभ बच्चन के साथ आई शहंशाह को तो आज के जमाने के फिल्मी दर्शक भी खूब पसंद करते हैं। मेरी जंग में अनिल कपूर संग इनकी केमिस्ट्री भी बड़ी आई कैचिंग थी। हालांकि मेरी जंग ही वो फिल्म भी है जिसके बाद सुभाष घई के साथ इनकी अनबन हो गई थी और फिर दोबारा कभी इन्होंने सुभाष घई के साथ काम नहीं किया। मीनाक्षी शेषाद्री के करियर की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो ये नजर आई अल्लाह रखा, दिलवाला, सत्यमेव जयते, डकैत, औरत तेरी यही कहानी, 20 साल बाद, गंगा जमुना सरस्वती, तूफान, बड़े घर की बेटी, अम्बा, घायल, हम शकल, आज का गुंडा राज, आदमी खिलौना है, क्षत्रिय और घातक में। घातक ही इनके करियर की आखिरी फिल्म भी थी। मीनाक्षी शेषाद्री की फिल्मों की बात हो तो कुछ फिल्मों की बात करना जरूरी हो जाता है। साल 1986 में आई फिल्म स्वाति में इनकी एक्टिंग को बहुत ज़्यादा सराहा गया था। उस दौर के कई फिल्मी पंडितों ने माना था कि मीनाक्षी शेषाद्री केवल अपनी खूबसूरती और डांस के दम पर ही फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, बल्कि वो एक बढ़िया अदाकारा भी हैं। इस फिल्म में मीनाक्षी के साथ माधुरी दीक्षित ने भी काम किया था। सनी देओल की फिल्म घायल में भी इन्होंने क्लास एक्टिंग की थी। वहीं विनोद खन्ना साहब के साथ फिल्म जुर्म और सत्यमेव जयते में भी इनके काम की खूब तारीफ हुई थी। 90 के दशक में मीनाक्षी शेषाद्री ने एक तेलुगु और एक तमिल फिल्म में भी काम किया था। आपाद बंधा उदू नाम की तेलुगु फिल्म में इनके हीरो चिरंजीवी थे। चिरंजीवी के साथ आज का गुंडा राज में भी इन्होंने काम किया था और ये फिल्म सुपरहिट रही थी। इनकी तमिल फिल्म थी ड्यूट, ये फिल्म फ्लॉप रही थी। 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम करने वाली मीनाक्षी शेषाद्री के करियर की सबसे शानदार फिल्म मानी जाती है साल 1993 में आई दामिनी। राजकुमार संतोषी की इस फिल्म ने ही मीनाक्षी शेषाद्री को बॉलीवुड की ए ग्रेड एक्ट्रेसेज में शुमार कराया था। फिल्म में इनकी ज़बरदस्त एक्टिंग के लिए इन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा गया था। मीनाक्षी शेषाद्री की जिंदगी की बात हो तो सिंगर कुमार सानू से उनके अफेयर की बात को भला कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। महेश भट्ट की फिल्म जुर्म के सेट पर मीनाक्षी और कुमार सानू की बातचीत शुरू हुई थी। कुमार सानू पहले से शादीशुदा थे। कहा जाता है कि जब कुमार सानू की पत्नी रीता भट्टाचार्य को मीनाक्षी शेषाद्री संग उनके अफेयर की खबर मिली तो वो बहुत नाराज हुई। नौबत तलाक तक पहुंच गई। कुमार सानू की तब की सेक्रेटरी ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि कुमार सानू की कई गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं,
फिलहाल वो मीनाक्षी शेषाद्री को डेट कर रहे हैं। साल 1994 में कुमार सानू और रीता भट्टाचार्य का तलाक हो गया। लोगों को लगा कि कुमार सानू अब मीनाक्षी से शादी कर लेंगे, लेकिन इन दोनों से जुड़ी खबरें आनी बंद ही हो गई। उसके बाद साल 1997 में सबको चौंकाते हुए मीनाक्षी शेषाद्री ने अमेरिका में रहने वाले एक इन्वेस्टमेंट बैंकर से शादी कर ली और फिल्म इंडस्ट्री व भारत को छोड़कर वो अमेरिका में बस गई। मीनाक्षी के पति का नाम हरीश मैसूर है और अब अपने पति के साथ मीनाक्षी अमेरिका के टेक्सास राज्य के प्लानो शहर में रहती हैं। मीनाक्षी और हरीश के दो बच्चे हैं, बेटी केंद्रा और बेटा जोश। अमेरिका में ही रहकर मीनाक्षी शेषाद्री अपना एक डांस इंस्टीट्यूट चलाती हैं और वहाँ बच्चों को भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और ओडिसी डांस सिखाती हैं। यानी फिल्मी चकाचौंध से दूर अमेरिका में मीनाक्षी अपने परिवार के साथ एक शांत और सुकून भरी जिंदगी गुजार रही हैं। किस्सा टीवी ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मीनाक्षी शेषाद्री हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहें, उन्हें अच्छी सेहत मिले और उनका परिवार हमेशा सुखी रहे। फिल्म इंडस्ट्री को किए मीनाक्षी शेषाद्री के योगदान के लिए किस्सा टीवी उन्हें सैल्यूट करता है। जय हिंद। हीरो घर से रवाना हो गया है, कह दो बस, बेचारा डायरेक्टर यहीं उठकर खड़ा हो जाएगा। साला एक नंबर का चक्कर।